होता है ना, मैं रो या हंसू करूं, मैं क्या करूं, वैसे टाइप की रिपोर्ट है। क्योंकि गोल्डमन सैक्स को लगता है कि FY24 की शुरुआत में, यानी अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स, कभी भी एक टेलीकॉम के दामों में हाइक आ सकती है। क्योंकि जो पूरा टेलीकॉम पैक है, 2G से अपने कस्टमर्स को हटा के 3G और 4G में डालना चाह रहा है, 5G पे केपेक्स करना चाह रहा है, तो बहुत ज़रूरी होगा एक टेलीकॉम में प्राइस हाइक करने के लिए। और अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें तो भारतीय में इनको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड सबसे फेवरेबल है। उनका जो बेयर केस सिनेरियो है, यानी मंदी वाला सिनेरियो है, वो देखता है 10% डाउनसाइड भारती में। लेकिन अगर आप बुल केस देख लें तो उनको लगता है भारती के शेयर में यहाँ से भी आपको 40% की अपसाइड आनी चाहिए। भारती पे उनका टारगेट जो है 870 रुपीज़ पर शेयर है। करंट मार्केट प्राइस से शायद 12 से 15% की अपसाइड होती है। लेकिन इंडस टावर पे देखिए 200 रुपये का टारगेट है, और वोडाफोन आइडिया पे 2.5 रुपये का टारगेट है। है 2.5 रुपये 2.5 रुपए जाइए, करंट भाव लेकर आइएगा। वोडाफोन आईडी तो अभी तो गवर्नमेंट ने वो कन्वर्जन करा था, हम लोग बड़े दस उत्साहित हो रुपये रहे थे हाँ फेस 10 रुपये पे वैल्यू कन्वर्ट। पे। हाँ, हाँ तो उनको लगता है कि शायद सरकार को भी यह नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो डेट प्रॉब्लम्स हैं और जिस हिसाब से कस्टमर्स माइग्रेट हो रहे हैं, 2 रुपये 50 पैसे की कीमत तुम क्या जानो आशीष बाबू।